आजकल जो मानसिक बीमारियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसका इलाज जो भी हो रहा है मेरी दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। आज के समय में विज्ञान ने बहुत ही तरक्की किया है, जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं इसका इलाज अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मानसिक बीमारी में ऐसा कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोई भी सही सटीक इलाज मानसिक बीमारी का आज भी 21वीं सदी में 2022 में भी नहीं हो रहा है। जो भी लोगों ने हमारे सेंटर से ऑनलाइन या सेंटर पर ट्रीटमेंट लिया है उसने जो बातें बताई इसके हिसाब तो ये है कि मानसिक बीमारी के लिए कोई भी दवाई काम करता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मानसिक बीमारी का आज भी कोई सही इलाज नहीं हो रहा है, ना तो इंडिया में हो रहा है ना तो फॉरेन में किसी भी देश में हो रहा है, कोई भी विकसित देश में भी सही इलाज नहीं हो रहा है। अब सही इलाज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, सही इलाज नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जो भी व्यक्ति दवाई ले रहा है वो 8 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से दवाई ले रहा है। अब मानो कि आप 2 साल से 5 साल से दवाई लेते आए हैं और आज भी दवाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ठीक नहीं हुए हैं। ठीक होने का मतलब ये है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाती है, बिना दवाई से ही आप नॉर्मल रहते हैं तो आप ठीक हो गए, लेकिन जब तक आपकी दवाइयाँ चलती हैं तो आप ठीक नहीं हैं। मानसिक बीमारियाँ क्या है और दवाई से लोग क्यों ठीक नहीं होते हैं, ठीक होने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें आज आपको मुझे विस्तार से बतानी है। सबसे पहली बात क्या है कि मानसिक बीमारियाँ होती क्यों है? सिंपल रीज़न ये है कि आपके साथ अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसके बाद आप लंबे समय नेगेटिव सोचते रहते हैं, लंबे समय आप नेगेटिव एहसास में रहते हैं, ये एहसास आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद आप हमेशा नेगेटिव एहसास में ही रहेंगे, आप मायूस रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, आप उदास रहेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार कोई नेगेटिव फीलिंग ट्रांसफ़र हो गया तो ये परमानेंटली हो गया। अब जो एहसास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसकी जगह पे आपको पॉजिटिव एहसास सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हुआ है, डिप्रेशन एंजाइटी फोबिया का शिकार हुआ है, उसके मन में बहुत ही नेगेटिविटी आ चुकी है, इसका मन कमज़ोर हो चुका है, उसका आत्मविश्वास टूट चुका है, उसको कोई भी काम करने का मूड नहीं आता है, इस तरह की परिस्थिति में व्यक्ति इलाज क्या लेता है, दवाइयाँ लेता है। दवाइयों से क्या होता है, जब आप कोई भी दवाई लेते हैं क्लोनाजेपाम या कोई भी मानसिक बीमारी की दवाई, वो दवाइयाँ आपके शरीर में जाती हैं और आपके ब्रेन सेल को इनएक्टिव करती हैं। ब्रेन सेल यानी आपके दिमाग में अरबों कोश होते हैं, आपके दिमाग में अरबों कोश होते हैं, वो दवाई लेने से इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाएंगे तो आपका दिमाग सोचना बंद करेगा, जब तक दवाई का असर है आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं, यानी कि सोचेगा नहीं तो कोई फीलिंग नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको परेशानी होगी, लेकिन दवाइयों का काम क्या है कि आपको आपकी सोच को ही बंद कर देना है। समझ रहे हैं? Yes, sir. दवाइयों का काम ही यही है कि आपकी सोच को बंद कर दिया जाए, आप सोचेंगे ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन क्या ये सही इलाज है? No, sir. अभी आपकी उम्र है काम करने की, आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, आपकी उम्र है पैसे कमाने की, आपकी उम्र है जॉब करने की, बिजनेस करने की। अब इस उम्र में आपकी सोच को बंद कर दिया जाएगा दवाई से, तो फिर आप काम कैसे करोगे? काम करने के लिए सोचना जरूरी है या नहीं है? Yes, sir. आपको पता है कि काम करने के लिए सोचना जरूरी है। अब दवाई दे के आपकी सोच को बंद कर दिया गया यानी कि आप काम कर ही नहीं सकते, आप काम करने के लिए काबिल ही नहीं रहे दवाई लेने से। और जितने लोगों ने दवाई ली है हमारे सेंटर पर आए हैं वो हर व्यक्ति यही बताता है कि दवाई लेके हम काम पर जाते हैं तो बहुत नींद आती है, आलस आता है, परेशान हो जाते हैं, दिमाग के अंदर कुछ सूझता नहीं है, याददाश्त चली जाती है, ये सब हालात हो जाते हैं दवाई लेकर। अब आप सोचिए कि व्यक्ति अगर इस तरह से इलाज लेगा तो क्या वो ठीक होगा या अपना कोई काम करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आपने जान लिया कि दवाई से इलाज नहीं होता है तो इलाज होगा कैसे? ठीक होना तो ज़रूरी है, डिप्रेशन ठीक होना चाहिए, एंजाइटी ठीक होनी चाहिए, फोबिया से बाहर आना चाहिए, लेकिन कैसे? दवाई तो ये नहीं कर रही, तो क्या तरीका है? दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी सोच को बदल दे, दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बन सकता जो आपके फीलिंग को बदल दे,
दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे, ऐसा कोई मेडिसिन संभव ही नहीं है। और इसके बिना मानसिक बीमारी का इलाज भी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी मानसिक बीमारी में व्यक्ति का एहसास नेगेटिव हुआ है, व्यक्ति की सोच नेगेटिव हुई है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस टूटा है, व्यक्ति मूडलेस हो चुका है, तो उसको क्या जरूरत है, क्या देना चाहिए उसको? मानसिक बीमारी में व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो चुकी है तो उसकी सोच पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसका एहसास नेगेटिव हो चुका है तो एहसास पॉजिटिव करने की कोशिश करनी होगी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है तो आत्मविश्वास को बिल्ड करने की कोशिश करनी होगी। उसका मूड अच्छा नहीं रहता है तो मूड अच्छा करने की कोशिश करनी है। और ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिस से। व्यक्ति को अलग अलग प्रैक्टिस दी जाती है अच्छे माहौल में, तो व्यक्ति का मूड भी चेंज होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, उसकी सोच भी पॉजिटिव होती है और इसका एहसास भी पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें केवल और केवल प्रैक्टिस से होती है, यानी कि हर चीज़ का प्रैक्टिस होता है। इसके लिए हिप्नोथेरापी प्रैक्टिस है, NLP प्रैक्टिस है, इसके साथ काउंसलिंग जरूरी है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि व्यक्ति को ग्रुप में रखकर अलग अलग टास्क देकर अलग अलग गेम से व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, उसके मूड को चेंज किया जा सकता है। और यही चीज़ हम अल्फा माइंडिंग सेंटर पर करते हैं और इसलिए व्यक्ति यहाँ से ठीक होता है। मानसिक बीमारी के इलाज में सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही हो रहा है, गफला हो रहा है और ये प्रूव हो चुका है। जो भी व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको आप कोई भी जगह पे ले जाओ, कोई भी जगह पे उसको अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम उसको अच्छा नहीं लगता। ना उसको खाना अच्छा लगता है, उसको पीना अच्छा लगता है, ना उसको घूमना अच्छा लगता है, ना खेलना अच्छा लगता है, ना कोई व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है, ना टीवी देखना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता लेकिन उसको अच्छा लगाना ज़रूरी है। तो व्यक्ति को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा, व्यक्ति को ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा जहाँ से उसको अच्छा लगे। ऐसे माहौल में व्यक्ति को रखना है वहाँ उसको अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग आए, वो बात करने की कोशिश करे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करे, लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे। ऐसे माहौल में व्यक्ति को रखना पड़ेगा। व्यक्ति नहीं चाहता है, पेशेंट तो कभी चाहेगा नहीं कि मुझे किसी के साथ रखो, किसी से बात करनी है। मानसिक बीमारी में एक ही चीज़ अच्छी लगती है, बस कोई कोने में रहने दो, बस लेटने दो, इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तक व्यक्ति यही करता रहेगा वो कभी ठीक नहीं होगा। और दवाई से तो व्यक्ति यही करता है, हम जो इलाज करें उसमें बस यही करते हैं कि व्यक्ति को एक्टिव करना है, उसको होना नहीं है। व्यक्ति को तो एक्टिव होना ही नहीं, उसका तो मन ही नहीं कर रहा है बाहर निकलने का, कुछ करने का। लेकिन हम ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे, ऐसा माहौल इसके सामने खड़ा करेंगे कि व्यक्ति खुद आके कुछ करेगा। मन करेगा नहीं कर, लेकिन साथ में रहकर एक ग्रुप इसके साथ काम कर रहा है तो धीरे धीरे वो काम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे एक्टिव होता है, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है, इससे इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होने लगता है। कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए व्यक्ति के आसपास माहौल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप देखिए घर पे आपका माहौल क्या था, आप जो भी समस्या के शिकार हैं इस शिकार क्यों हुए, आपके साथ प्रॉब्लम क्यों हुई? माहौल के कारण आपकी आसपास की परिस्थिति के कारण आप मानसिक समस्या के शिकार हुए। आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी, आपके साथ कोई हादसा हुआ, इससे आप प्रॉब्लम में आए हैं, इससे आप मानसिक बीमारी के शिकार हुए हैं। अब ठीक होने के लिए आपको बहुत ही पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल चाहिए, पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल चाहिए। व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसको पुश देना पड़ता है, उसको सपोर्ट देना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे अंदर कुछ कमजोरी आई है, चलो ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाओगे। बहुत सारे लोग इस तरह से प्रैक्टिस करके ठीक हुए हैं। तो हमारा काम है व्यक्ति को ऐसा माहौल देना, ऐसा पुश देना, ऐसा सपोर्ट करना कि व्यक्ति खुद माने कि मैं ठीक हो सकता हूँ और होने वाला हूँ। जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम में है, जो भी पेशेंट है, वो खुद जब तक नहीं मानेगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक होने के लिए काबिल हूँ, तब तक वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। चाहे उसको दुनिया भर की दवाई दिला दो, चाहे कितना भी मंत्र तंत्र करवा लो, चाहे कितने भी विधि विधान कर लो, व्यक्ति कभी ठीक हो ही नहीं सकता जब व्यक्ति खुद नहीं मानता कि मैं ठीक हो सकता हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपका फीलिंग है। अगर आप आपका फीलिंग बदल पाए तो आप ठीक होने ही वाले हैं। अगर आपका फीलिंग नेगेटिव रहा,
आप मायूस रहे, आप उदास रहे, आप नेगेटिव रहे, आप कमजोर रहे, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। तो आपको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां आप खुश हो, आपको प्रसन्नता महसूस हो, आपके अंदर उत्साह आना चाहिए, आपके अंदर काम करने का मूड आना चाहिए। ऐसा माहौल ही आपको ठीक कर सकता है। लेकिन आप आपके माहौल को चेक कीजिए, आपके घर के माहौल को, कि क्या आपको वहां खुशी आ रही थी? नो सर। आपको प्रसन्नता आ रही थी? नो सर। आपको उत्साह महसूस हो रहा था? नो सर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था? नो सर। घर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ऐसे आप ठीक होने वाले ही नहीं है। तो ये सब सारी चीजें यहां पर होती है। अल्फा माइंडिंग सेंटर पर आपको खुशी भी मिलती है, मिलती है या नहीं? यस सर। आप प्रसन्न होते हैं? यस सर। उत्साह आता है? यस सर। कॉन्फिडेंस आता है? यस सर। तो आप ठीक होने ही वाले, पक्का ठीक होने वाले। जो एहसास आपके माइंड में 21 दिन लगातार चलता रहता है, यही एहसास आपके जिंदगी भर का एहसास बनता है। अगर आप 21 दिन तक नेगेटिव एहसास में रहते हैं, तो पूरी जिंदगी आप नेगेटिव एहसास में ही चले जाएंगे। आप 21 दिन अपने आप को पॉजिटिव एहसास में रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, उत्साहित रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप पूरी जिंदगी इसी एहसास में रहेंगे, यानी पॉजिटिव एहसास में रहेंगे। सेंटर पर हम आपको यही चीज करने की कोशिश करते हैं कि आप 21 दिन बहुत पॉजिटिव उत्साहित माहौल में रहने चाहिए। सेंटर पर आप 21 दिन बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहने चाहिए, तो आप जिंदगी भर पॉजिटिव एहसास में रहेंगे। क्योंकि आप ये सिस्टम जानते हैं, कुदरत का एक सिस्टम है, कि जो एहसास आपने 21 दिन मन में चलाया है, वो आपकी जिंदगी भर का एहसास बनने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. तो बस आपकी एक जिम्मेदारी है, हमारी भी और आपकी एक जिम्मेदारी है, कि किसी भी तरह से आप अपने आप को 21 दिन से ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग में रखें। और इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी दुनिया को सच्चाई पता चलेगी कि मानसिक बीमारियां है क्या, उसका इलाज क्या है। तो आप तो समझ गए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक ये मैसेज जाएगा। लाखों लोग ऐसे हैं जो आज तक दवाइयां खा रहे हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज कैसे होगा, कभी हमारी दवाइयां छूटेगी, कभी हमारा डिप्रेशन ठीक होगा, कभी हमारा डर घबराहट ठीक होगा, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जिसको भी ऐसी मानसिक बीमारी है, जो लोग यूट्यूब के वीडियो में देख रहे हैं, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अवश्य सेंटर पर आप संपर्क कीजिए। और संपर्क करने के साथ अगर आप संभव है तो आप सेंटर पर आके 21 दिन का इलाज लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मानसिक बीमारियाँ हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं, आप पूरी तरह से दवाई से मुक्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कॉमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।